दूसरों का हितेशी बनो। और खासकर इस देश में तो दूसरों से किसी को मतलब ही नहीं, बगल वाले से मतलब नहीं, वो कितना भी रोता रहे पीटता हुआ, यहां रोना भी नहीं सुनाई देता है, यहां तो हंसना भी नहीं सुनाई देता है, यहां तो खबर बाद में लगती है जब वो न्यूज चल जाती। विचित्र देश है, यहां तो खबर तब लगती जब दो तीन साल बाद मिलते हैं, हाँ जी आपकी वो कैसे, अरे वो तो कब के चले गए, कब कैसे, ओ बस इतने में ही शोक मना लेते हो, पूरी संपत्ति खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। हमारे यहां तो बड़ी अद्भुत लीला है, हमारे भारत में बड़ी आत्मीयता है, खबर लग जाए तो रिश्तेदार के रिश्तेदार सब जुड़ जाए, हाँ जुड़ जाए सो तो ठीक है, वो अगर रोना रहा हो तो हमारे यहां तो आसपास के पड़ोसी आकर के रुलाते हैं, खुद तो रोते ही हैं वो भी रुलाते हैं, हाँ लेकिन ये विदेश है, हमने सुना है यहां तो रोने वाले भी किराए पे आते हैं, हद हो गई बाहर, हमारा भारत अच्छा है। अब तो कितना हम लोग बदलते जा रहे हैं कि हम लोग रोने के लिए भी विदेशी वो किराएदार रखते हैं, रोने उन्हें क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रेंट पर हायर, वो कुछ रुदालू बोलते हैं, वो भी किराए पे लिए जाते हैं, हमारे यहां किराए पे क्या मांगना, अपना भारत इसके लिए बहुत अच्छा है, अगर वो ना रो रहा हो तो वो याद करवा कर, अरे इतने अच्छे थे, बहुत मीठा बोलते थे, खुद भी रोएगा अगर बगल वाले को याद नहीं आ रही होगी तो करवाएगा, और एक दो दिन नहीं 13 दिन तक तो रुलाएगा। अच्छा 13वीं कब है भाई साहब, परसों है, बताओ चले गए, कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं हन ले गए, इतने अच्छे थे, अरे एक बार तो ये हमारे पीछे लड़ गए पुलिस वालों से, तो सामने वाला अगर भूल भी गया हो तो हमारे यहां याद करवाते हैं। और हमने सुना है, कल ही सुना है, आज ये सच हो या झूठ, कि ज्यादा अगर कोई बहुत करीबी मर गया तो एक तो यहां रोने वाले किराए पे आते हैं, दूसरा ज्यादा उसकी याद आती है तो पैक लगाते हैं, झंझट खत्म, समझो। अब पता नहीं सच है कि झूठ है, सच है ना, हमारे यहां तो जितना तुम पैक लगा के पीते उतना आंसू डालते हैं, विचित्र देश है, सिंपैथी नहीं है, भावना नहीं है, आत्मीयता नहीं है, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गए हो, आपको लगता है आप बहुत सभ्य हो गए हो, हमें लगता है कि आप बहुत कुछ खो बैठे हो, आप घर खो बैठे, आप संस्कार खो बैठे, आप परिवार खो बैठे, आप भावना खो बैठे, आप आत्मीयता खो बैठे, आपको लगता है कि आप बहुत सभ्य हो गए, हमें लगता है कई बार कि हम असभ्य ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं है अनपढ़ ठीक है, पर किसी का मन और दिल तो पढ़कर जानते हैं। हमारे भारत के लोग, आपके हमारे आपके दोनों के, हमारे भारत के लोग जरूर नहीं पढ़े, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, वो आपका जो आप लिखते हैं सूचना नहीं पढ़ पाते, संदेशा मैसेजेस नहीं पढ़ पाते, वो आपके दिल और आंखों की भावना जरूर पढ़ पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आपको, आप कितने भी गुड़ग्गो हो जाओ, किसी का दिल पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ा सीखा, आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। इसलिए प्रार्थना है आज की कथा का सूत्र, थोड़ा भी कोई हो ना उसकी मदद करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, उससे धन्यवाद सुनने की अपेक्षा भी मत रखो, यहां लोगों की आदत है गाड़ी को साइड भी देंगे तो धन्यवाद बोलना पड़ेगा, वरना थैंक यू बोलना है यहां,
या तो बात बात पर थैंक यू इतना फ्री हो गया कि थैंक यू भी आत्महत्या कर रहा है। कई बार हम तो बड़ा चौंकते हैं, हम तो गाड़ी में जब आते जाते हैं तो वो उसने वो दिया, या ऐसा चलता है, अद्भुत हो गया। हमारे भारत में जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति काम कर दे तब उसे धन्यवाद वो भी एक बार दिया जाता है, और वो भी ये कह देते हैं इतना नहीं करोगे तो क्या खाक कर। यहां तो अद्भुत हो गया, थैंक यू इतना सरल हो गया कि मुंह पर रखा है, सॉरी और थैंक यू, ये दो यहां के राम राम है, यहां का नमस्कार है दो, सॉरी सॉरी थैंक यू कुछ भी धक्का दे देगा सॉरी। हमारे यहां अद्भुत, तुम धक्का दे दो, धक्का दे दिखाया तो नहीं है, अंधा हो गया है, आंखें नहीं दी भगवान ने, बटन लगे हैं क्या, यहां तो सॉरी। हमें कई बार ये देश भी बहुत अच्छा लगता कि एक मार दो सॉरी, लेकिन बाद में खबर लगी कि यहां की लॉ बहुत खतरनाक है, यहां क्लेम कर दिया जाता, बात बात पर लाखों का क्लेम हो जाता है, बात बात पर। कल कोई हमको बता रहा था कि मकान के सामने कोई अगर गड्ढे में गिर गया तो वो क्लेम कर देता है, गलती उसकी अंधा, वो क्लेम कर देते मकान मालिक पर। हमारे भारत में गिरने वाले से ही ले लिया जाता है, तू आया क्यों, इधर से क्यों निकला, दिखाई नहीं पड़ता तुझे गड्ढा था जो तू आया यहां से। अगर वो धोखे से कह दे कि ये गड्ढा पूर नहीं सकते, तेरे बाप का क्या जाता, हमारे घर के सामने गड्ढा, तू होता कौन है, Who are you? यहां लेकिन अद्भुत है, ठीक है जिंदगी है। ये तो विनोद की बात थी, हम आपको कथा के माध्यम से आज के सूत्र में समझाना चाह रहे हैं कि आप हो सके थोड़ा सा आत्मीयता पर आओ, अपने साथ साथ अगल बगल आस पड़ोस मदद करना प्रारंभ करो। जरूरी नहीं आप धन से मदद दो, वाणी से, व्यवहार से, सपोर्ट लगाकर। हमारा एक सूत्र है सनातन के लिए, हम पिछली बार भी बोले थे, शायद दो दिन पहले, पुनः बोलते हैं कि सनातन धर्म के लिए सपोर्ट के लिए बागेश्वर धाम है। आप किसी की छोड़ो, हमारी लो, आप हमें धन से सपोर्ट करो या मत करो, आप हमारे पास आओ या मत आओ, लेकिन हम फिर कहेंगे सनातन धर्म के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा तो उसके साथ बगल में खड़े हो जाओ, ताकि विपक्ष की पार्टी को पता लगे कि यह पार्टी बहुत मजबूत है। वो भीड़ देखकर डर जाए, उनको संदेशा जाए कि ये एकजुट है। धन्य रे भारत, धन्य रे सनातनीय हिंदू, यहां हिंदू ही हिंदू की टांग खींच रहा, यहां सनातनी ही सनातनी की टांग खींच रहा। आप और धर्मों में नहीं ऐसा पाएंगे, और धर्म के खिलाफ आप एक आवाज उठा के बता दो, तुम्हारी दुकान से लेना बंद कर दें, और हमारे में बागेश्वर वालों की कोई बुराई करे ना तो तुरंत दूसरे वाले महाराज जी, हाँ तुम सही कह रहे हैं, हम तो पहले समझे थे इसे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई अगर हमारी निंदा करता भी है तो हमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, निंदा उसकी है जो जिंदा है, और जब तक निंदा है समझिए आप जिंदा हैं, जिस दिन निंदा बंद हो जाए समझना आप मर गए। तो निंदा से घबराओ मत, अभी ये आपको हम सूत्र दे रहे, तुम मदद करना प्रारंभ करोगे, तुम दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ करोगे, लोग तुम्हारी निंदा करें, तय है, क्योंकि इस समाज को आदत पड़ गई है, लोगों को आदत पड़ गई है गुलाम बनने की। वो तब नहीं बोलते जब कोई उनको ऊपर राज करे, अगर कोई अच्छा करे ना वो बोलेंगे जरूर, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, उनको ये चाहिए कि देखो हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई सनातन के खिलाफ मैसेज बनाता है, वीडियो बनाता है, हम लोग उसी को देखते हैं, और देखते सो तो ठीक है, वायरल ऊपर से करते, ये देख भाई क्या चल रहा है। हम यही कहेंगे आप परोपकार करना प्रारंभ करो और सनातन के साथ खड़े होना प्रारंभ करो। अगर कोई सनातन के विरुद्ध काम कर रहा
उसको इग्नोर करना शुरू करो। हमें लड़ना नहीं, इग्नोर करो, आउट करो। अपनी जिंदगी में आप बहुत खुश होना चाहते हो ना, तो खुशियां लेना भी सीखो और बांटना भी सीखो। आप अपने चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट चाहते हो ना, आपको लगता है कि हमारे पास ये चीज आएगी तो मुस्कुराहट आएगी, हमें लगता है आपके पास आएगी और अगर आप बांट देंगे तो डबल मुस्कुराहट आएगी। एक आने पर मुस्कुराहट और दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, परे हित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। इसलिए आप जो है हो सके तो दूसरों की मदद करो, जितनी हो सके उतनी मदद, एक घड़ी आधी घड़ी मदद करो।